वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगी कि आप सब ठीक ही होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और आवाज़ भी नहीं निकली, लेकिन मैंने कहा मुझे ब्लॉग की लास्ट में बनाना है, मैंने कल भी नहीं बनाया था ब्लॉग। तो उससे पहले सबसे पहले तो आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है, जो कि है जैसे कि हम घर ढूंढने के लिए बाहर आ रहे जा रहे थे, पानी की वजह से परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं मसला हल करवा रहे हैं, बोरिंग करवा रहे हैं यहाँ पर। तो इस वजह से हमने अभी जो है घर का इरादा कुछ पोस्टपोन कर दिया है। तो जैसे अभी हम जो है घर नहीं देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि कुछ टाइम मतलब 8-10 महीने और यहाँ पर रह लेते हैं, उसके बाद फिर जो है इंशाल्लाह ताला घर शिफ्ट कर लेंगे। तो मैंने मुझे बहुत समझ आया, वरना मुझे तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी कि बस घर छोड़ दें घर छोड़ दें। मैंने मुझे बोला तो कुछ टाइम जो है यहाँ पर गुजार लो, फिर इंशाल्लाह ताला हम घर छोड़ देंगे, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। तो आप लोग दुआ करिएगा हम जल्दी से यहाँ से घर छोड़ें। तो फिलहाल मैंने कहा मुझे यहाँ पर जाल लगवा दें मालिक मकान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन है, क्योंकि हारिस का बहुत डर रहता है हर वक्त। तो उन्होंने कहा सही है, मैं जाल लगवा देता हूँ आपको। तो आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल लिया है। तो जो है उन्होंने कहा मैं जाल लगवा देता हूँ और बोरिंग करवा रहे हैं हम लोग। ये बताना था आप लोगों को कि अभी हम घर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो है मैं खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मम्मा और पापा आ रहे हैं मेरे घर पर। मैंने उनको बोला आप आ जाएँ और मैं ज़रा खाना वाना बना रही हूँ, कहीं खा लिया। तो उन्होंने बोला सही है, आ नहीं रहते, बोले थे नहीं हमें जाना है। तो मैंने कहा भाई आ जाएंगे वह, तो मम्मा भी आ रही हैं अभी, पापा भी आ रहे हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ स्टू, जो कि मैंने उस दिन बनाया था आप लोग के साथ शेयर भी करा था, मम्मा के घर में सब आए हुए थे। तो मैंने कहा वो पापा ने और मैंने कहा जो तुमने उस दिन बनाया था वो बहुत ज़्यादा सीखा था, वही वाला सालन जो है दोबारा से बना दो। तो बस मैं वही बनाऊँगी आज, हो सकता है शामी कबाब भी बना लूँ। तो बाकी मौसम भी इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है, और हाँ तो उसके अलावा अभी खाना वाना तो बना लेंगे, रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद अभी जो है देखिए मैंने घर का तार वार सब निकाल दिए हैं, यहाँ से केबल का तार जा रहा था, दिखाती हूँ। ये देखिए तार वार मैंने सब कुछ निकाल दी यहाँ से, ये भी वाला सारा सामान भी निकालूंगी। उसके बाद जो है घर हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारा सामान भी। और बाकी जो है ये जो टीवी देख रहे हैं आप, मैं ये निकाल दूँगी, और मतलब और बाकी सामान भी है वो बहुत सारा, वो भी दिखाती हूँ। काफ़ी सारा सामान बच्चों का ऊपर रखा हुआ है, ये बोरों में रखा हुआ है। तो ये बहुत सारा सामान है, मैं जो है ये भी और डिवाइडर भी थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, बाकी हवा इतनी तेज़ चली थी तो ये मैंने अलग नाम यहाँ रख दिया, कहीं गिरना चाहे यहाँ लगा हुआ। तो भी तार वगैरह ये सब कुछ निकालेंगे यहाँ से, ये निकालेंगे, फिर ये सारा सामान वहाँ से उतारेंगे, फिर ये सारा सामान निकालेंगे। तो हम थोड़ा सा अच्छा सा जो है घर सेट करेंगे, बेड की जो सेटिंग है ये भी चेंज कर देंगे, मतलब ऐसे रख देंगे बेड सामने। तो घर थोड़ा सा क्लीन कर रहे थे हम, थोड़ा सा अच्छा सा डेकोरेट कर रहे थे घर। मैंने मेरे से कहा कि भाई अगर आप मुझे यहाँ रखना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा घर जो है सेट करवा दें। तो उन्होंने कहा सही है, अब जो है इस मैं सोच रही हूँ यार जो एरिया है ना यहाँ पे मैं एक कारपेट सा डाल दूँ और गौतकिया लगा दूँ, और उस जगह पर भी मैं यही सोच रही हूँ वाले कमरे में। तो यार पहले से यही सिस्टम था, कारपेट वगैरह भी मेरे पास रखा हुआ ही है। तो वो मैं जो है मेरा दिल जा रहा वो वाला कारपेट डालने का, मैं सोच रही हूँ हल्के से जो सेंटर आते हैं ना वो वाला जो है वहाँ डाल दूँ। तो घर सेट करते हैं बिल्कुल, मतलब लो प्राइस में अच्छा सा घर सेट करते हैं, और आप लोग भी दिखाऊंगी। बाकी आज तो जो है हम जो है चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि कहाँ से हम लोग सामान लेते हैं और क्या क्या लेते हैं। ज़्यादा सामान तो कुछ ज़्यादा नहीं लेना, काफ़ी सामान मेरे पास रखा हुआ भी है, पर मुझे गौतकी वगैरह लेना, तकिए लेना बैठ के, तो ये वाला सामान लेना है मुझे, बाकी और तो कुछ नहीं लेना। मैं बैठ जाती हूँ, गले में बहुत दर्द हो रहा है ना, तो खड़ा भी नहीं जा रहा। तो बच्चे खेल रहे हैं यहीं पर। तो अभी जो है मैं रेसिपी बनाने जाऊँगी आपकी, बाकी अगर कल कहीं जाऊँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मुझे जाना भी है, 2-3 जगह जाना भी है मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी जहाँ भी जाऊँगी। तो बाकी जो घर सेट करने का आइडिया है, अलमारी मैं सोच रही हूँ इस वाले रूम में रख दूँ, उस वाले रूम से हटा के। तो खैर जैसे जैसे वो बताएगा मैं आपको वैसे वैसे दिखाती भी रहूँगी। तो अभी वालेकुम सलाम। तो जो है अभी मम्मा आ जाए, उसके बाद हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है देखते हैं क्या करना है। खैर आज तो मैं सेट नहीं होगा, कल ही होगा, वैसे आज अगर जितना भी होगा वो भी दिखा दूँगी आप लोग। तो अभी मैं दोनों चीज़ों के लिए मसाला काट रही हूँ, अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था पीसूँगी, और लहसुन ये बारीक वाला यूज़ करा करें अच्छा होता है, देसी लहसुन। तो ये काटेंगे, तो मैंने ये डाली है, ये डाली है, और साबुत मिर्चे, गरम मसाला सारा इसके नीचे, नमक के नीचे हो गया, इलायची, ये सारा गरम मसाला है, और ये तो एंड में डालेगा गरम मसाला। तो यहाँ जो है मैंने गोश्त मैं पानी डाल के रखा था, लेकिन ये वाला जो पानी मैं इसका फेंकूँगी
फिर दूसरे पानी में जो है इसको सारा मसाला डाल, इतना जो है सारे जम्स निकल जाते हैं। दूसरे वाले पानी में जो मैं इसका मसाला डालूंगी और ये वाला पानी में फेंक दूंगी। दो बड़ी वाली घट्टी है, लहसुन की दाल डाल दी, गोश्त के अंदर लहसुन की दाल डाल दी मैंने, प्याज और ये लहसुन, बाकी ये मसाले डाल रही हूँ। इसी में इसमें हल्दी डाल रही हूँ, ठीक है, और थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। ये जो है आप लोगों की मर्जी है, आप लोग डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। वैसे एक तरीका नहीं है ये बनाने का, 8-10 तरीके होते हैं हर चीज़ बनाने के। तो ये गरम मसाला है, तो अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे, और इसे जो है जब तक इसे खुश्क हो जाए और गल जाए जब तक के लिए छोड़ देंगे, जब तक आप अपना और काम कर सकते हैं। मैं भी जो है अपना दूसरा काम करने लगी हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वो आलू सालन बना रही हूँ स्टू, तो अब मैं वो चलाऊँगी। सालन का भी गोश्त जो है मैं वैसे ही बॉयल करके इसका पानी फेंकूँगी, ठीक है, उसके बाद फिर चढ़ाते हैं सालन। यहाँ ये कबाबों का मसाला बन रहा है, ये यहाँ पर पहुँचा है, थोड़ा सा और गल जाए फिर हम इसे कूटेंगे, मतलब पीसेंगे। मसाला बनाया है, नमक भी है, गरम मसाला, कुटी मिर्चे, हल्दी और काली मिर्चे पिसी हुई, लहसुन जो है ब्राउन हो चुका है, मैं इसमें गोश्त डालती हूँ। ट्राई करें, गोश्त जो है मैंने बॉइल कर लिया, मसाले डालती हूँ, गोश्त देख लेते हैं कि गोश्त गला नहीं, गला दाल तो गल गई है, बाकी गोश्त जो है अच्छे से भूनने वाला है, टमाटर कुछ होंगी बस हमें। तो प्याज डालने के बाद जो है इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे, उसके बाद हरा धनिया डाल देंगे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। तो मतलब जब तेल भी ऊपर आ चुका है सालन का, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सालन बनता है माशाल्लाह से, और सबको बहुत अच्छा लगता है ये वाला सालन भी। तो स्टू भी मतलब 3-4 तरीके से बनता है, ज़्यादा तरीके से बनता होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और तरीके से बनाएंगे। हो गया, अपने गोश्त की तरफ आ जाते हैं, गोश्त तो अब हो गया है, अब जो है ना ये पानी को शक करने के लिए ऊँची आँच कर देते हैं, मतलब तेज़ चूल्हा कर देते हैं। अभी देखें गैस कितनी अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। तो अभी तो अच्छी तरह पीसेंगे कबाबों को, कबाब जो है ना जब तक सिल पे ना पीसो तो उसका जो है टेस्ट नहीं आता, और दुआ करें दिल से मेरा गला भी सही हो जाए, आवाज़ें निकल ली मेरी। तो पीस तो जो है मैं ही पीसती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। धनिया जो है, हरी मिर्चें, हरा धनिया काट दिया, उसमें अंडा डाल दिया है, अंडा मैंने अभी एक ही डाला है, तो मैं इसे अच्छी तरह फेंकूँगी, फिर इसको फिर जो मैंने पीस लिया है इससे इसमें डाल दूँगी अंडा और हरा धनिया और हरी मिर्चें, इसमें मैंने कम डाली है उसमें, और मैं जो इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब जो है मैंने ये सब मिक्स कर लिया है इसमें, तो वैसे कबाब बनाऊँगी, बाकी बहुत अच्छे से पीस लिया है सिल पर, और सिल का पीसा हुआ तो बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह से, ये देखें आप कितना अच्छा पीसा है मैंने, बहुत अच्छा है। जो है यहाँ से सलाद बना रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सलाद बनाते हैं ये, और ये देखिए उसी में कचरा रख रहे हैं, उसी में सब मैंने धो के दिया था इन्हें, एक साइड पे रखते हैं टमाटर, और एक साइड पे रखते हैं कचरा, और एक साइड पे रखते हैं खीरा, ठीक है, आज के बाद एहतियात करिएगा। खाना लग गया है, कबाब तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने, समय एक तोड़ के दिखाइएगा, मतलब दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे, ये देखें वाओ माशाल्लाह। बाकी ये सालन है, और ये इनके पापा ने सलाद और सजाया कैसे, ये देखें स्टाइल तो देख लें,
बस तो आप लोगों को खाना है तो आप लोग भी आ जाएं जल्दी से और खाना खा लें। गर्ल्स हमने जो है खाना वाना खा लिया है, मैंने जो है बर्तन भी धो लिए हैं, तो बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं, मेरा सारा काम हो चुका है। बस अभी जो है बच्चों को सुलाने की तैयारी करने में लगे हुए हम। तो आज मेरा ब्लॉग यही था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मेरा गला भी जो है दुआ करिएगा कि ठीक हो जाए, लेकिन ये कि सुबह से तो बेहतर हो गया है, अभी रात के मेरे ख्याल से 10 बज रहे हैं, तो अभी अल्लाह का शुक्र अभी तो काफ़ी बेहतर है। और यार फिर से लॉकडाउन लग गया है मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मुझे पता है तो 9 दिन का लॉकडाउन लग गया है। तो बस दुआ करें अल्लाह से हालात अच्छे हो जाएँ बहुत ज़्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा भी दुआ में यार। अल्लाह हाफिज़। और यार क्या नाम है, फुल वीडियो वॉच करिएगा ठीक है, और स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अल्लाह हाफिज़।